हेलो स्टूडेंट्स, मैं रत्न करश आपका इस प्लेटफॉर्म पर एक बार स्वागत करता हूं। आज हम इस क्लास में यूपीएससी का साइंस सिलेबस, साइंस एंड टेक्नोलॉजी का सिलेबस डिस्कस करेंगे। तो बेसिकली अगर यहां पर हम बात करें साइंस एंड टेक्नोलॉजी की, तो यहां पर दो पार्ट है। एक तो साइंस का है जो जनरल साइंस में है, और एक आता है टेक्नोलॉजी का पोर्शन। मैंने यहां पर बोर्ड पे साइंस और टेक्नोलॉजी के पोर्शन को लिखा हुआ है। बात यह आती है कि यहां पर जो साइंस का पोर्शन है उसका क्या रीजन है कि यूपीएससी में साइंस को ऐड किया गया है। देखिए, साइंस के साथ साथ यहाँ पॉलिटी, हिस्ट्री, इकोनॉमिक, ज्योग्राफी और बहुत सारी चीजों को ऐड किया गया है। बट यहाँ पर बात यह आती है कि आप साइंटिफिक अप्रोच आपकी कितनी है। सिंपल सी बात है, अगर आप यहाँ पर किसी भी पोस्ट में सेलेक्ट होते हैं, आप किसी भी जिले में आप कहीं पर जाकर के डीएसपी या डिस्ट्रिक्ट कलेक्टर बनते हैं, तो आपसे यहाँ पर यह नहीं पूछा जाएगा कि व्हाट इज न्यूटन्स थर्ड लॉ, या आप पहले ये बताइए कि न्यूटन का द्वितीय नियम क्या है। तब आप इस जो भी वहां पर फंक्शन हो रहा है या जो भी वहां पर कार्य हो रहा है उसके बारे में आप कर सकेंगे। फॉर एग्जाम्पल, एक डीएसपी जाता है और वहां पर कोई क्राइम हो गया है, तो वहां पर आपसे कोई नहीं पूछेगा। बट बात यह होती है कि आप उसको किस साइंटिफिक व्यू से समझते हो, आपका अप्रोच क्या है। इसलिए यहां पर साइंस को ऐड किया गया है। अब देखिए, साइंस की अगर मैं बात करूं तो यहां पर साइंस में जो जनरल साइंस है वो फिजिक्स, केमिस्ट्री और बायो से है। यहां पर सामान्य विज्ञान में फिजिक्स, जिसको हम हिंदी में कहते हैं भौतिकी, केमिस्ट्री जिसको हम बोलते हैं रसायन, और बायोलॉजी जिसको हम बोलते हैं जीव विज्ञान, ये तीन पोर्शन को ऐड किया गया है। ठीक है, जो कि आता है पीटी में, प्रीलिम्स एग्जाम जो होता है उसमें ये क्वेश्चन आते हैं। और यहां पर अगर बात करो जनरल साइंस की, तो ये तो है पीटी से रिलेटेड, प्रीलिमिनरी टेस्ट से। ठीक है, और यहां पर क्वेश्चन की बात करें तो 10 से लेकर के 15 तक एवरेज, मतलब 10 से लेकर के 15, 10 टू 15 क्वेश्चन यहां पर आपको हर एग्जाम में मिलते हैं। ठीक, उसके बाद अगर मैं बात करूं टेक्नोलॉजी की, तो टेक्नोलॉजी के कुछ पोर्शन यहां पर जो बेसिक क्वेश्चंस होते हैं, जो करंट अफेयर्स रिलेटेड होते हैं, वो यहां पर मिलते हैं। अब देखिए, अगर मैं बात करूं इसमें फिजिक्स, केमिस्ट्री और बायो में, तो जो बायोलॉजी है ये तो थोड़ा सा स्टैटिक पोर्शन है, डायनेमिक नहीं है। डायनेमिक क्या आता है, डायनेमिक में जो करंट अफेयर है, जैसे मान लिया कोई वायरस के बारे में, अभी प्रेजेंट सिनेरियो में कोविड-19 है। अब कोविड-19 या कोरोना वायरस से यहां पर करंट अफेयर्स को क्वेश्चन बन सकते हैं, और वायरस को लेकर के हर साल कोई ना कोई क्वेश्चन बनता है, क्योंकि कोई ना कोई वायरस हर बार आता है। जैसे इबोला, नीपा, ये वायरस हर बार एग्जाम में पूछे गए। ठीक है, अगर इसके बाद हम फिजिक्स और केमिस्ट्री की बात करें, फिजिक्स और केमिस्ट्री में अप्लाइड साइंस पूछी जाती है, मतलब जो एप्लीकेशन बेस्ड है, जो आपके चारों तरफ हो रही है, आप उसको समझिए। जैसे कि कोई व्यक्ति अगर माउंटेन में, पहाड़ी में चढ़ता है, तो आगे की तरफ क्यों झुक जाता है, उसका क्या रीजन है। पहाड़ों में रहने वाले लोगों की नाक लंबी क्यों होती है। प्रेशर कुकर में खाना जल्दी क्यों पक जाता है। ये जितने भी क्वेश्चन है ये अप्लाइड है। वहां पर आपसे कोई प्रूफ नहीं पूछता है कि आप, ये डेरिवेशन है, आप इस डेरिवेशन को बताइए, डेराइव करिए, ये चीज वहां पर नहीं है। वहां पर सिर्फ कितना है, एप्लीकेशन बेस्ड क्वेश्चन पे डिस्कस होता है। उसके बाद फिजिक्स, केमिस्ट्री, बायो के बाद जो बेसिक्स ऑफ टेक लिखा हुआ है, बेसिक्स ऑफ टेक का मतलब यह है कि जो टेक्नोलॉजी के बेसिक क्वेश्चंस हैं, जो करंट अफेयर से रिलेटेड है। जैसे मान लिया कि किसी कंट्री के बीच में कोई युद्ध अभ्यास चल रहा है, उससे क्वेश्चन बन सकते हैं, या कोई इंडिया ने कोई नया सेटेलाइट लॉन्च किया है, उस सेटेलाइट से क्वेश्चन बन सकते हैं, या कोई बिल नया लॉन्च किया है तो उस बिल से क्वेश्चन बन सकते हैं। ठीक है, जैसे डीएनए रेगुलेशन एक बिल आया था, तो डीएनए बिल से क्वेश्चन बन सकते हैं। ठीक है, तो यहां पर तो यह आ जाता है आपका करंट अफेयर का। अब अगर मैं बात करूं यहां पर टेक्नोलॉजी पोर्शन का, जो कि है मेंस में, जो कि आता है मेंस एग्जाम में, मेंस एग्जाम की अगर बात करूं तो ये पेपर थर्ड में आता है। तीसरा जो जीएस पेपर होता है उसमें ये आता है। और यहां पर अगर एवरेज क्वेश्चन की बात करें तो लगभग 3 से लेकर 5 तक, 3 to 5 क्वेश्चन यहां पर आपको मिलते हैं, जो कि मेंस से होते हैं। अब मेंस की अगर बात करें तो यहां पर जो बायोटेक है, नैनोटेक, रोबोटिक्स, स्पेस टेक और डिफेंस, ये जो मेन फील्ड बनी हुई है, यहां से क्वेश्चन बनते हैं। क्लियर है। अब यहां पर अगर मैं बात करूं, जैसे फॉर एग्जांपल बायोटेक की बात करूं, तो बायोटेक्नोलॉजी में जो नई नई हाइब्रिड्स हैं, जैसे हाइब्रिड सीड हो गए, ठीक है, हाइब्रिड क्रॉप हो गए, जैसे बीटी बैगन, बीटी ब्रिंजल, इन सबसे क्वेश्चन बनते हैं। नैनोटेक की बात करें तो नैनोटेक में आपसे स्टेप अप या स्टेप डाउन जो प्रोसेस होते हैं उनसे, या नैनोटेक्नोलॉजी से रिलेटेड अगर कोई नई रिसर्च हुई है, वहां पर क्वेश्चन बन सकते हैं। जैसे कि कार्बन के अलग अलग फॉर्म है, जैसे फुलरीन है, तो फुलरीन से क्वेश्चन, ग्राफीन, इन सबसे क्वेश्चन यहां पर बन सकते हैं। रोबोटिक्स की बात करें तो रोबोटिक्स में भी यहां पर टाइप्स ऑफ रोबोटिक्स, कि रोबोटिक्स का ह्यूमन सिनेरियो की अगर बात किया जाए तो वहां पर क्या रोल है रोबोटिक्स का, या रोबोटिक्स के आने की वजह से, रोबोट्स आने की वजह से इंडस्ट्रीज में क्या हो रहा है, क्या यहां पर अनएम्प्लॉयमेंट बढ़ रहा है या घट रहा है, क्या हो रहा है, इसके पॉजिटिव और निगेटिव दोनों एस्पेक्ट की हम यहां पर बात करेंगे। और अगर स्पेस टेक की बात करें तो यहां पर स्पेस टेक में जितने भी गवर्नमेंट के प्रोग्राम्स चलते हैं,
उनके बारे में यहाँ डिस्कस करते हैं। और डिफेंस में भी सेम चीज है। तो यहाँ पर बेसिकली अगर क्वेश्चंस की बात करूं तो यहाँ पर एक तो आ जाता है बेसिक कॉन्सेप्ट कि आपके बेसिक कॉन्सेप्ट यहाँ पर कैसे है, क्योंकि जब तक आपका बेस क्लियर नहीं होगा तो आप इन क्वेश्चंस को कोई अप्रोच को आप पकड़ नहीं पाओगे। उसके बाद दूसरा आता है यहाँ पर एप्लीकेशन कि इन जितने भी पोर्शन में इनके क्या क्या एप्लीकेशन है। अभी मैंने यहाँ पर भी बात किया कि प्रीलिम्स में भी यहाँ पर एप्लीकेशन बेस्ड क्वेश्चन आते हैं। तीसरा सिनेरियो है वो आता है इशू और कंसर्न, मतलब इन सबसे रिलेटेड कितने इशूज हैं, वो इशूज पॉजिटिव और निगेटिव दोनों एस्पेक्ट में हो सकते हैं। बेसिकली अगर मैं बात करूं, जैसे मान लिया बायोटेक की बात कर रहे हैं, तो बायोटेक में हाइब्रिड सीड में ही ले लेते हैं, तो हाइब्रिड सीड को लेकर के इंडिया में क्या क्या इश्यूज हैं, गवर्नमेंट सेक्टर और प्राइवेट सेक्टर, पब्लिक और प्राइवेट सेक्टर दोनों के बीच में दोनों का क्या रोल है यहां पर, ठीक है। तो ये आता है इश्यूज में, और इश्यूज से बहुत सारे मुद्दे से बहुत सारे क्वेश्चन बनते हैं। उसके बाद आता है यहां पर कि इंडिया की क्या पोजिशन है इन सारी टेक्नोलॉजी को लेकर के। जैसे फॉर एग्जाम्पल डिफेंस की बात कर लेते हैं, तो डिफेंस में इंडिया का क्या रोल है किसी भी मिसाइल के बारे में, या किसी मिसाइल प्रोग्राम के बारे में, किसी न्यूक्लियर टेस्ट के बारे में, यहां पर इंडिया की क्या रोल है, ठीक है। फिर अगला आता है आपका करंट डेवलपमेंट। करंट डेवलपमेंट मतलब कि प्रेजेंट टाइम पर भारत ने कितना डेवलपमेंट किया है इन रिसर्च को लेकर के। तो यहां पर क्वेश्चन आपका मेंस की अगर मैं बात करूं तो ये सारे पोर्शन बहुत इंपॉर्टेंट है, और अगर प्रीलिम्स की बात करूं तो यहां पर ये सारे पोर्शन बहुत इंपॉर्टेंट है, ठीक है, फिजिक्स केमिस्ट्री बायो। बट आपको बस इतना याद रखना है कि बेस कॉन्सेप्ट बेसिक कॉन्सेप्ट क्लियर करने के साथ साथ एप्लीकेशन अप्रोच को ध्यान रखना है। क्लियर हो गया? ओके। तो बायो में यहां पर कौन कौन से चैप्टर है वो मैंने यहां पर मेंशन किए हैं। सबसे इंपॉर्टेंट चैप्टर आता है वो है डिजीज। डिजीज मतलब रोग के बारे में, ठीक है। अब यहां पर डिजीज में वायरल मतलब वायरस से होने वाले डिजीज, बैक्टीरिया और फंगस मतलब जीवाणु विषाणु और कवक से होने वाले रोग के बारे में यहां क्वेश्चन बन सकता है, ठीक है। और सबसे इंपॉर्टेंट आता है वो वायरस, क्योंकि वायरस हर बार कोई ना कोई वायरस प्रेजेंट इंटर कर जाता है, मतलब हमारे एनवायरनमेंट में कोई ना कोई वायरस आता है, और ये जो वायरस होता है इसको कनेक्टिंग लिंक बिटवीन लिविंग एंड नॉन लिविंग बोलते हैं, ठीक है। और अगर प्रेजेंट टाइम की बात करें तो आप सबको पता है कोरोना COVID-19, और यहाँ से क्वेश्चन बनने की प्रोबेबिलिटी सबसे ज़्यादा है, ठीक है, क्लियर। उसके बाद बात करते हैं हम न्यूट्रिशन की। न्यूट्रिशन की बात करें तो यहाँ पर कार्बोहाइड्रेट, कार्बो, वाइटमिन्स, फैट, प्रोटीन, इन सबसे क्वेश्चन बनते हैं, और इन सब में भी इंपॉर्टेंट हैं वो है वाइटमिन्स, विटामिन्स। फैट में सोलबल विटामिन्स कौन कौन से हैं, ठीक है, वाटर सोलबल विटामिन कौन कौन से हैं, उन वाइटमिन्स के केमिकल नेम कौन कौन से हैं, यहाँ पर क्वेश्चन ये बनता है, ठीक। उसके बाद अगर हम सर्कुलेटरी सिस्टम की बात करें, ह्यूमन सर्कुलेटरी सिस्टम की अगर बात करें, मनुष्य में अगर हम देखें, ह्यूमन बींग्स की अगर मैं बात करूँ, तो ह्यूमन बींग्स में सर्कुलेटरी सिस्टम में हम पढ़ेंगे ह्यूमन हार्ट के बारे में, हृदय के बारे में, कि ह्यूमन हार्ट के कितने चैम्बर हैं, इसका क्या फंक्शन है, हार्ट बीट का प्रोडक्शन किस तरीके से होता है। और यहाँ पर जो मेन है वो आता है ब्लड के बारे में, कि प्लाज्मा क्या होती है, ठीक है। अब जैसे अगर मैं बात करूं कोरोना से, तो कोरोना वायरस में एक प्लाज्मा थेरेपी आई थी, वो प्लाज्मा थेरेपी यहां प्लाज्मा से रिलेट कर सकते हैं, ठीक है, कि प्लाज्मा क्या है, प्लाज्मा कैसे निकालते हैं, प्लाज्मा किसका कंपोनेंट है, ब्लड के मेन कंपोनेंट क्या होता है, या ब्लड में मेन चीजें क्या क्या होती हैं। तो ब्लड में मेन मैं आपको बता दूं, एक तो होती है ब्लड सेल्स मतलब RBC, WBC और प्लेटलेट्स, दूसरी होती है प्लाज्मा। तो प्लाज्मा सबसे ज्यादा होती है ब्लड में, और प्लाज्मा में होता है वाटर सबसे ज्यादा, क्लियर है। ओके, उसके बाद बात करते हैं डाइजेस्टिव सिस्टम के। तो डाइजेस्टिव सिस्टम में अगर बात करें तो यहाँ पर हम डिस्कस करेंगे पाचन तंत्र के बारे में, कि ह्यूमन में डाइजेशन स्टार्ट कहाँ से होता है, ह्यूमन में डाइजेशन किस तरीके से होता है, कंप्लीट कहाँ पर होता है, कौन कौन से डाइजेस्टिव जूस बनते हैं, ठीक है। यहाँ पर इंपॉर्टेंट चैप्टर है, थोड़ा सा बड़ा भी है, बट अगर आप आसानी से इसको समझ जाएंगे, एक बार कॉन्सेप्ट ठीक बिल्ड कर लेंगे, तो ये बहुत ही सिंपल चैप्टर है, ठीक है। उसके बाद अगर हम डिस्कस करते हैं रिप्रोडक्टिव सिस्टम में, तो रिप्रोडक्टिव सिस्टम यहाँ पर मेल और फीमेल, मतलब अगर ह्यूमन बींग्स की बात करें तो ह्यूमन बींग्स के साथ साथ मेल और फीमेल के साथ साथ मेल और फीमेल दोनों के साथ साथ हमको यहाँ पर पढ़ना है प्लांट के बारे में, मतलब प्लांट का रिप्रोडक्टिव सिस्टम भी हमको पढ़ना है, ठीक है। फ्लावर जो होता है प्लांट का, फ्लावर होता है जिसमें स्टिग्मा, स्टाइल, ओवरी, ये फीमेल पार्ट होता है, और अगर मेल की बात करें तो एंथर होता है, ठीक है। एंथर में पॉलन ग्रेन्स पाए जाते हैं। व्हाट इज पॉलिनेशन, पॉलिनेशन प्रोसेस क्या होता है, व्हाट इज डबल फर्टिलाइजेशन और ट्रिपल फ्यूजन, दोहरा संलयन और दोहरा निषेचन और तिहरा संलयन क्या है, ये सब आपसे क्वेश्चन यहाँ पर बन सकते हैं, ठीक है। उसके बाद बात करते हैं सेल। सेल भी बहुत इंपॉर्टेंट चैप्टर है। सेल में सेल थ्योरी से क्वेश्चन बन सकते हैं, सेल ऑर्गेनल से क्वेश्चन बन सकते हैं, कि सेल ऑर्गेनल ह्यूमन में कौन कौन से हैं, और जिस तरीके से ह्यूमन बींग्स में अलग अलग टाइप के ऑर्गन्स होते हैं, उसी तरीके से सेल के अंदर भी अलग अलग टाइप के
सेल ऑर्गेनल्स होते हैं जिसको कोशिका के अंग कहते हैं, जैसे फॉर एग्जांपल माइटोकॉन्ड्रिया। तो माइटोकॉन्ड्रिया का फंक्शन क्या है? माइटोकॉन्ड्रिया को हम बोलते हैं एनर्जी पावर हाउस ऑफ द सेल। क्यों कहते हैं पावर हाउस ऑफ द सेल? इसके पीछे रीजन क्या है? तो रीजन है क्योंकि वो क्या करता है, एटीपी फॉर्मेशन करता है। एटीपी मींस एडिनोसिन ट्राइफॉस्फेट, और ये एटीपी ही हमें एनर्जी प्रोड्यूस करता है, हमें एटीपी क्या करता है, एनर्जी देता है। तो ये तो माइटोकॉन्ड्रिया हो गया। राइबोसोम, राइबोसोम को क्या बोलते हैं? राइबोसोम भी एक क्या है, हमारा सेल ऑर्गेनेल है, सेल के अंदर पाया जाता है। राइबोसोम को प्रोटीन फैक्ट्री कहते हैं। ठीक, न्यूक्लियस क्या होता है? न्यूक्लियस एक सेंटर है, एक सेल का एक सेंटर है, एक हब है। मतलब जिस तरीके से ब्रेन हमारी बॉडी में काम करता है, उस तरीके से न्यूक्लियस काम करता है कि किस तरीके से सेल की एक्टिविटी को कंट्रोल करना है। क्लियर? सेल थ्योरी क्या बताती है? सेल थ्योरी बताती है कि किस तरीके से सेल डिवाइड करेगी। यहां पर सेल डिवीजन से भी क्वेश्चन बनते हैं, एमाइटोसिस, मियोसिस, माइटोसिस। ठीक है, अब जब भी कभी कोई भी सेल इस सेल थ्योरी मतलब अपने सेल डिवीजन को भूल जाती है, क्योंकि सेल का एक कॉन्सेप्ट है कि वो सेल साइकिल में जाएगी, G0, G1, S, G2, M, ये सेल साइकिल है, और अगर वो सेल साइकिल में एंटर करने के बाद डिवाइड नहीं करती है, डिवीजन करती ही रहती है, पुरानी सेल डेथ नहीं कर रही है और नई सेल बनती ही चली जा रही है, तो सेल का एक बंच बन जाता है, गुच्छा बन जाता है, जिसे हम ट्यूमर कहते हैं। फर्दर वो कैंसर में कन्वर्ट हो जाता है। ठीक है, तो यहाँ पर अभी ये क्वेश्चन बनता है। और कैंसर एक हॉट टॉपिक है प्रेजेंट टाइम पर, जितने भी इंस्टीट्यूशन है वो कैंसर पर रिसर्च कर रहे हैं। ठीक है, तो यहाँ पर हम इसमें इसके बारे में डिस्कस करेंगे। उसके बाद आता है एंडोक्राइन सिस्टम। एंडोक्राइन सिस्टम में हमको पढ़ना है हार्मोन्स के बारे में, और वो हमारे ह्यूमन बींग्स के हार्मोन्स के बारे में हम बात करेंगे कि पिट्यूटरी ग्लैंड कौन कौन से हार्मोन सिक्रेट करती हैं। एंडोक्राइन सिस्टम में जैसे पिट्यूटरी हो गया, पिट्यूटरी को मास्टर ग्लैंड कहते हैं, फिर थायराइड ग्लैंड, फिर थायमस ग्लैंड, एड्रीनल ग्लैंड, इन सब के बारे में यहाँ पर क्वेश्चन बनते हैं। अब यहाँ पर हमको एंडोक्राइन सिस्टम मेल मतलब सॉरी ह्यूमन बींग्स के साथ साथ हमें किस में और पढ़ना है, प्लांट के बारे में पढ़ना है, जिसको हम बोलते हैं फाइटो हार्मोन्स। फाइटो, फाइटो मतलब होता है प्लांट, मतलब पेड़ पौधों की ग्रोथ के लिए कौन कौन से हार्मोन्स रिस्पॉन्सिबल हैं। जैसे फॉर एग्जांपल ऑक्सिन, जिब्रेलिन, साइटोकाइनिन, एप्सिसिक एसिड, ये सब हैं फाइटो हार्मोन्स, इनके बारे में हमें पढ़ना है। ठीक है, इसके इसके बाद बात आती है रेस्पिरेटरी सिस्टम। रेस्पिरेटरी में हमें पढ़ना है रेस्पिरेशन के बारे में कि ह्यूमन बींग्स में रेस्पिरेशन किस तरीके से होता है, एरोबिक रेस्पिरेशन क्या है, एनएरोबिक रेस्पिरेशन क्या है, इनमें मेन डिफरेंस क्या है, सबसे ज़्यादा एनर्जी किस में मिलती है, एरोबिक में कि एनएरोबिक में। तो एरोबिक में ऑक्सीजन प्रेजेंट होती है, इसीलिए उसको बोलते हैं एरोबिक रेस्पिरेशन। और ऑक्सीजन की वजह से, ड्यू टू प्रेजेंस ऑफ ऑक्सीजन, इसमें क्या होता है, एनर्जी सबसे ज्यादा होती है। क्लियर हो गया? तो यहां पर हमको पढ़ना है रेस्पिरेशन मतलब ह्यूमन लंग्स के बारे में। क्लियर? उसके बाद आता है जेनेटिक्स। जेनेटिक्स की अगर मैं बात करूं तो जेनेटिक्स जो टॉपिक है ये हमारे टेक्नोलॉजी से रिलेटेड है। यहाँ पर जितने भी हाइब्रिड सीड बनते हैं, हाइब्रिड क्रॉप बनते हैं, उनके बारे में बात करते हैं। बेसिकली जेनेटिक्स जो रिलेट है वो किससे रिलेटेड है, जीन से रिलेटेड है। जीन्स, देखिए जीन्स जो होते हैं वो हर किसी में हैं। प्लांट के अपने अलग जीन हैं, ह्यूमन बींग्स के अपने अलग जीन हैं। हमारे अंदर जितने भी करैक्टर हैं, हमारे शरीर की बनावट, हमारी हाइट, हमारे बालों का कलर, हमारे आंखों के रंग, जितना जो भी करैक्टर हैं वो कौन कोड करता है, वो जीन्स कोड करते हैं। और ये जीन ही एक जनरेशन से नेक्स्ट जनरेशन में जाते हैं। मतलब हमारे पास जो जीन है वो हमें फादर से मिले हैं, या ग्रैंड फादर से मिले हैं, या ग्रैंड मदर से मिले हैं। क्लियर है? तो ये तो हम यहाँ पर पढ़ेंगे जीन्स के बारे में और डीएनए के बारे में, आरएनए के बारे में, इन सब के बारे में हम जेनेटिक्स में डिस्कस करेंगे। बहुत इंपॉर्टेंट है ये, क्योंकि ये स्टैटिक के साथ साथ डायनेमिक रोल भी प्ले करता है। फिर आता है हमारा स्क्रीटरी सिस्टम। स्क्रीटरी मतलब उत्सर्जन तंत्र। उत्सर्जन मतलब किडनी के बारे में हमको पढ़ना है कि आखिर किडनी के क्या क्या फंक्शन है, किडनी किस तरीके से काम करता है। क्लियर? और यहाँ पर कितने टाइप के एनिमल होते हैं जिनका अलग अलग स्क्रीटरी मटेरियल है। जैसे जो एनिमल वाटर में रहते हैं वो अमोनिया को स्क्रीट आउट करते हैं, अमोनिया को बाहर निकालते हैं, और अमोनिया बहुत ज़्यादा पॉइजनस होता है। ठीक है, ह्यूमन बीइंग की बात करें तो ह्यूमन बीइंग यूरियोटेलिक है, यूरिया को स्क्रीट आउट करता है। ठीक है, जैसे लिजर्ड छिपकली की बात करें तो वो यूरिकोटेलिक है, वो यूरिक एसिड को स्क्रीट आउट करता है। तो यहाँ पर ये क्वेश्चन आपसे बन सकते हैं कि ह्यूमन बींग्स किसका एग्जाम्पल आता है, यूरियोटेलिक है, एमिनोटेलिक है, और यूरिकोटेलिक है। क्लियर हो गया? तो यहाँ पर ये जो है ये एक बायो का है कि किस तरीके से बायोलॉजी में क्वेश्चन बनते हैं। फिजिक्स की अगर मैं बात करूं तो यहाँ पर फिजिक्स में जो किस तरीके से क्वेश्चन बनते हैं, तो मैंने आपको सबसे पहले ही बताया था कि फिजिक्स जो है यहाँ पर एप्लीकेशन बेस्ड क्वेश्चन आते हैं। अप्लाइड फिजिक्स के बारे में बात करते हैं। ठीक है, अप्लाइड फिजिक्स का मतलब ये है कि जो आपके चारों तरफ सराउंडिंग्स में हो रहा है वहाँ से क्वेश्चन बनते हैं। जैसे फॉर एग्जाम्पल कि अगर मैं बात करूँ कि न्यूटन्स थर्ड लॉ पे क्वेश्चन कैसे बनता है कि कोई भी पर्सन अगर किसी भी जैसे ट्रेन के अंदर फॉर एग्जाम्पल बैठा हुआ है, ट्रेन अचानक चलती है या अचानक से रुकती है, तो व्यक्ति आगे की तरफ झुक जाता है, क्यों ऐसा होता है। ठीक,
जैसे कि अगर मैं बात करूं कि पेड़ को हिलाने पर फल टूट के क्यों गिरते हैं, ये किसका एग्जाम्पल है? तो ये सारे ही जितने क्वेश्चन हैं ये एप्लीकेशन बेस्ड क्वेश्चन है। तो यहाँ पर कौन कौन से चैप्टर हैं जो हमारे लिए इंपॉर्टेंट है? सबसे पहला जो चैप्टर आता है वो हमारा है फोर्स के बारे में, कितने टाइप के फोर्स होते हैं, ठीक है, सबसे वीक फोर्स कौन सा है, स्ट्रांग फोर्स कौन सा है। फिर अगला आता है हीट के बारे में, हीट की अगर मैं बात करूं तो यहां पर क्वेश्चन किस तरीके से बन सकते हैं। अब अगर जैसे हीट जो ट्रांसफर होती है उनके क्या क्या मेथड है, जैसे फॉर एग्जांपल कंडक्शन, कन्वेक्शन और रेडिएशन, ये तीन मेथड होते हैं। आपसे पूछ सकता है क्वेश्चन कि आप किसी मेटल को पकड़ते हो, आपने कोई मेटल रॉड पकड़ रखी है और वो मेटल रॉड एक तरफ से हीट हो रही है, तो आपको हाथ, आपका जो हाथ है वो थोड़ी देर बाद गर्म करे जाएगा, गर्मी लगेगी आपको, क्यों, ऐसा क्या होता है? तो आप ये बोलोगे क्योंकि वहां पर हीट ट्रांसफर हो रही है और वो हीट ट्रांसफर का मेथड क्या है, कंडक्शन है। एनवायरनमेंट में सन की वजह से हीट आती है, वो किसकी वजह से होती है? तो आप बोलोगे कि वो रेडिएशन की वजह से होती है। क्लियर है? तो यहां पर ये क्वेश्चन बन सकते हैं। और क्या क्वेश्चन यहां पर हीट में बनता है? हीट में यहां पर क्वेश्चन बनते हैं थर्मामीटर से, जैसे कैल्विन, सेल्सियस, रूमर, फॉरेनहाइट, ये जो हमारे इस टेम्परेचर को मेजर करने के लिए जो स्केल है, इनसे क्वेश्चन बन सकते हैं कि इसका हायर और लोअर पॉइंट क्या होता है, या इसका फॉर्मूला जो है वहां पर कोई यूनिट दे दे सकता है आपको और पूछ सकता है कि ह्यूमन बीइंग का में नॉर्मल टेम्परेचर कितना होता है, कैल्विन में कितना होता है, फॉरेनहाइट में कितना होता है, डिग्री सेल्सियस में कितना होता है, यहां पर ये क्वेश्चन बन सकता है। हीट के बाद अगला चैप्टर है हमारा इलेक्ट्रोस्टैटिक। इलेक्ट्रोस्टैटिक की अगर बात करें तो यहां पर आपसे कोई न्यूमेरिकल नहीं पूछेगा, न्यूमेरिकल की अगर मैं बात करूं तो ये सब वन डे एग्जाम्स में बनते हैं। इलेक्ट्रोस्टैटिक में जो आपसे क्वेश्चन बनते हैं वो भी यहां पर एप्लीकेशन बेस्ड बनते हैं। जैसे फॉर एग्जाम्पल आपसे पूछेगा कि ये जो हीटर होता है, हीटर के अंदर कौन सी कॉयल का हम यूज करते हैं, वो कॉयल किससे बनी होती है और ऐसा क्यों होता है, रीजन क्या है, तो वहां पर हम नाइक्रोम वायर का यूज करते हैं। नाइक्रोम निकिल और क्रोमियम से मिलकर बनता है, एक अलॉय है, मिश्र धातु है, और हम इसलिए यूज करते हैं क्योंकि उसका जो रेजिस्टेंस होता है वो बहुत हाई होता है, और हाई रेजिस्टेंस का यूज करके हम उसे टेम्परेचर, जैसे आप हीटर का यूज करते हो तो हीटर क्या करता है, बहुत जल्दी ही गर्मी कर देता है, हीट कर देता है, क्योंकि उसमें रेजिस्टेंस क्या होता है, बहुत ज्यादा होता है। क्लियर है? फिर जैसे हम घरों में मेन स्विच लगाते हैं, मेन स्विच मतलब MCB। अब MCB का मेन फंक्शन क्या है, MCB कैसे कनेक्ट करते हैं, सीरीज से करते हैं या पैरेलल से करते हैं? MCB से पहले हम फ्यूज वायर यूज करते थे, फ्यूज वायर होता था, जैसे ही ये सर्किट को आप लगा देते हो तो सर्किट बिल्कुल कंप्लीट हो जाता है और उसमें करंट फ्लो होने लगती है, और जैसे ही बहुत ज़्यादा करंट आती है तो ये जो क्या होता है वायर, ये मेल्ट हो जाता है और आपका सर्किट बच जाता है। बट इसको अब हमने रिप्लेस करके क्या लेके आ गए हैं, MCB, मिनिएचर सर्किट ब्रेकर। मिनिएचर सर्किट ब्रेकर जो हमारे सर्किट में जैसे एक्सेस अमाउंट में करंट आती है वो वहां से सर्किट को बंद कर देता है, MCB डाउन हो जाती है। फिर इससे क्वेश्चन बन सकते हैं ट्रांसफार्मर से, ट्रांसफार्मर का मेन फंक्शन क्या होता है? देखिए ट्रांसफार्मर मतलब क्या होता है, ट्रांसफॉर्म करना, हाई वोल्टेज को लो वोल्टेज, लो वोल्टेज को हाई वोल्टेज, ठीक है। फिर यहां पर क्वेश्चन बन सकते हैं करंट से, AC और DC में मेन डिफरेंस क्या होता है? जैसे यहां पर एक करंट अफेयर से क्वेश्चन बन सकता है, DC में HVDC, हाई वोल्टेज डायरेक्ट करंट, इसकी इस स्कीम, इस प्रोजेक्ट को कहां पर लागू किया गया है, हाई वोल्टेज HVDC, ठीक है, क्योंकि जो DC होता है उस DC मतलब डायरेक्ट करंट, यहां पर एनर्जी लॉस बहुत कम होता है, और एनर्जी लॉस कम होने की वजह से गवर्नमेंट ने HVDC प्रोजेक्ट स्टार्ट किया है, जिससे हम करंट को बहुत दूर तक ले जाएं और वहां पर एनर्जी लॉस ना हो, ठीक है। तो ये सब सारी चीजें हम यहां पर पढ़ेंगे। इसके बाद और हमारा एक चैप्टर बनता है यहां पर इलेक्ट्रोस्टैटिक, हीट, फोर्स हो गया, और हमारा एक जो मेन चैप्टर है एक आ जाता है मैग्नेटिज्म, जिसमें हम चुंबक के बारे में बात करते हैं कि कौन कौन से मटेरियल होते हैं, फेरोमैग्नेटिक, डायमैग्नेटिक, पैरामैग्नेटिक, इनका क्या फंक्शन होता है, ठीक है। वाटर किस में आता है, फेरोमैग्नेटिक है, डायमैग्नेटिक है कि पैरामैग्नेटिक है? आखिर चुंबक होते क्या है? किसी भी नेचुरल चुंबक को या नेचुरल मैग्नेट को हम किस तरीके से आर्टिफिशियल मैग्नेट में कन्वर्ट कर सकते हैं, या किसी भी नॉर्मल आयरन को या नॉर्मल ऑब्जेक्ट को, जैसे मान लिया इस मार्कर है, ये मार्कर को भी हम मैग्नेट में कन्वर्ट कर सकते हैं, बट कैसे कर सकते हैं? इसके बाहर हम कॉपर की कॉइलिंग कर देंगे, और कॉपर की कॉइलिंग करने के बाद इसको हम सर्किट से कनेक्ट कर देंगे। जैसे सर्किट से कनेक्ट किया तो ये एक सोलेनोइड में कन्वर्ट हो जाएगा, अब ये एक मैग्नेट की तरह काम करेगा, बट कब तक काम करेगा, जब तक इसमें करंट फ्लो होगी, इस वायर में करंट फ्लो होगी। जैसे करंट आपने ऑफ किया, बंद किया, वैसे ही ये मैग्नेट एक नॉर्मल ऑब्जेक्ट बचेगा। क्लियर है?
तो ये आता है कि करंट का मैग्नेटिक इफेक्ट क्या होता है, व्हाट इज द इफेक्ट, व्हाट इज द मैग्नेटिक इफेक्ट ऑफ करंट, जिसको किसने बताया था, एक ऑस्टर्ड साइंटिस्ट थे, ऑस्टर्ड साइंटिस्ट ने बताया था कि जो करंट होती है उनमें मैग्नेटिक इफेक्ट भी होता है। तो ये तो हो गया आपका फिजिक्स। मैं बार बार बोल रहा हूँ फिजिक्स सिर्फ एक अप्लाइड फिजिक्स है, यहाँ पर एप्लीकेशन बेस्ड क्वेश्चन आते हैं। और अगर कोई भी नई रिसर्च हुई है करंट में जो ज़्यादा न्यूज़ में है उससे क्वेश्चन बनेंगे। अब हम बात करते हैं केमिस्ट्री की। अगर हम केमिस्ट्री में देखें तो केमिस्ट्री में यहाँ पर मैं आपको फिर से बता रहा हूँ कि यहाँ पर भी अप्लाइड केमिस्ट्री पूछी जाती है, और सबसे इम्पोर्टेंट जो चैप्टर है यहाँ पर वो सिर्फ एक ही है, वो है न्यूक्लियर केमिस्ट्री, जिसमें हम पढ़ते हैं रेडियोएक्टिविटी के बारे में, ठीक है। क्योंकि ये जो पोर्शन है केमिस्ट्री का जो पोर्शन है, यहाँ पर क्वेश्चन प्रीलिम्स में नहीं बनते ज्यादा और ना मेंस में बनते हैं। अगर कोई नई रिसर्च है यहाँ पर किसी भी एलिमेंट को लेकर के, किसी मेटल को लेकर के, किसी एलॉय को लेकर के, तो वो यहाँ पर क्वेश्चन बनते हैं, ठीक है। हाँ, एक चीज और रह गई थोड़ा सा, फिजिक्स में एक पोर्शन है वो है आपका मॉडर्न फिजिक्स। मॉडर्न फिजिक्स में अगर बात करें तो मॉडर्न फिजिक्स में कुछ यहां पर टॉपिक है, जैसे कि डायोड, डायोड के बाद आपका आ जाता है सोलर सेल, और आपसे पूछ सकता है यहां पर एनर्जी के बारे में। बेसिकली ये जो एनर्जी वाला चैप्टर है, ये एनर्जी वाला चैप्टर में हम रिन्यूएबल और नॉन रिन्यूएबल दोनों के बात करते हैं, ठीक है। और ये जो सोलर सेल है, सोलर सेल की अगर मैं बात करूं तो यहां पर हम यूज करते हैं एक तरीके का डायोड होता है। डायोड मतलब वहां पर हम पीएन जंक्शन का यूज करते हैं और वहां पर हम सेमी कंडक्टर का यूज करते हैं। तो ये मॉडर्न फिजिक्स का भी कुछ जो पोर्शन है वो थोड़ा सा इंपॉर्टेंट है। तो ये तो था फिजिक्स केमिस्ट्री बायो। मैं बार बार बोल रहा हूँ कि ये जो फिजिक्स केमिस्ट्री बायो में सबसे इंपॉर्टेंट है वो बायोलॉजी का पोर्शन है यूपीएससी में, और वो भी करंट के साथ। और फिजिक्स और केमिस्ट्री में अप्लाइड फिजिक्स और अप्लाइड केमिस्ट्री पूछी जाएगी। बट आपको याद रखना है कि अगर वहां पर कोई भी करंट का टॉपिक है तो आपको वो चीज पढ़नी है। अब आज आती है कि बेसिक्स ऑफ टेक्नोलॉजी, जो मैं प्रीलिम्स में बात कर रहा हूँ। बेसिक्स ऑफ टेक्नोलॉजी में आपको बायोटेक, नैनोटेक, रोबोटिक्स, जितनी भी बेसिक्स हैं उनके करंट के टॉपिक को आपको पढ़ना होगा। क्योंकि प्रीलिम्स में क्या होता है कि आपके पास चार ऑप्शन होते हैं, उन चार ऑप्शन में आपको ऑप्शन ए बी सी डी मतलब ऑप्शन दिए जाएंगे चार, और फिर आपको ये बोला जाएगा कि पहला दूसरा सही है या पहला दूसरा तीसरा सही है या चारों सही है या सभी गलत है, इस तरीके से आपको ऑप्शन बनता है। तो यहाँ पर कोई बहुत डिटेल सेंटेंस नहीं लिखता है, वो क्वेश्चन को शॉर्ट में लिखता है, तो वो कम से कम इंफॉर्मेशन देता है। और अगर आपने वो इंफॉर्मेशन या वो चीज कहीं पर पढ़ी है तो आपको आसानी से याद आती है। बट अब अगर हमारी बात आती है मेंस की स्ट्रेटजी की, आखिर हम मेंस को कैसे सॉल्व करेंगे, मेंस क्वेश्चन को कैसे टैकल करेंगे, तो अगर मैं मेंस के बारे में बात करूं तो यहां पर मेंस के बारे में क्या क्या आपको ध्यान रखना है। मेंस में आपको यहां पर ध्यान रखना है बायोटेक, नैनोटेक, डिफेंस, स्पेस टेक, इन ये सबसे ज्यादा चार इंपॉर्टेंट हैं। इन चारों में से आपको क्या क्या चीज याद रखनी है वो याद रखिएगा। सबसे पहला तो आपको इनके बेसिक कॉन्सेप्ट याद रखने हैं, बेसिक कॉन्सेप्ट। जब तक आप बेसिक कॉन्सेप्ट आपके नहीं क्लियर होंगे, कि अगर मैं बात करूं कि व्हाट इज डीएनए, तो आप नहीं बता सकते हो कि डीएनए रेगुलेटिंग जो बिल आया है उसमें क्या बात हुई है। तो आपको पहले डीएनए के बारे में पता होना चाहिए कि डीएनए आखिर होता क्या है, डीऑक्सीराइबोन्यूक्लिक एसिड ये कैसे बनता है, कहां होता है, ठीक है, फिर आप इस बिल के बारे में अच्छे समझ सकते हैं। तो सबसे पहला तो होता है कि आपके बेसिक कॉन्सेप्ट क्या है, फिर उसके बाद आता है आपका कि इसके एप्लीकेशन क्या है, एप्लीकेशन मतलब ये है कि आपसे यहां पर क्वेश्चन बन सकता है उस चीज को लेकर के सोसाइटी पे कैसे इंप्लीमेंट करोगे। क्योंकि आप एक ऐसी चीज की तैयारी कर रहे हो जहां पर आपको सोसाइटी के बीच में रहना है, सोसाइटी को ठीक करना है, उसके बारे में सोचना है। तो अगर मैं बायोटेक में बात करूं तो बायोटेक का मतलब ये नहीं है कि आपको एक लैब दे दी जाएगी यूपीएससी क्वालिफाई करने के बाद और वहां पर रिसर्च करते रहो, नहीं ऐसा नहीं है।
आपको सोसाइटी पे उस चीज को कैसे इंप्लीमेंट करोगे। जैसे कि मान लिया फॉर एग्जांपल, एक मैंने बताया था अभी थ्री पेरेंट बेबी टेक्नोलॉजी या टेस्ट ट्यूब बेबी टेक्नोलॉजी। टेस्ट ट्यूब की अगर बात करें तो टेस्ट ट्यूब बेबी क्या होता है, कैसे बनता है, प्रेजेंट टाइम पर क्या प्रॉब्लम आ रही है, सरोगेसी में सरोगेसी लॉ को लेकर के प्रेजेंट टाइम पर क्या प्रॉब्लम आ रही है, क्यों सरोगेसी बिल को लेके आया गया, रीजन क्या था, नहीं तो सारी चीजें वैसे ही चलती रहती। तो आपको सबसे पहले तो यहाँ पर बेसिक कॉन्सेप्ट समझना है, उसके बाद उसके एप्लीकेशन समझना है, फिर एप्लीकेशन के बाद आता है यहाँ पर कौन कौन से इश्यूज बनते हैं, इश्यूज क्या क्या है, मुद्दे क्या क्या बनते हैं यहाँ पर, वो इश्यूज कैसे कैसे हैं, मतलब इंडिया का कंसर्न और वर्ल्ड में उस चीज को किस तरीके से देखा जाता है। ठीक है, जैसे कि यूरोपियन कंट्रीज बहुत सारे सरोगेसी करने के लिए इंडिया आते हैं, तो इंडिया ही क्यों आते हैं, यहां पर क्या ऐसे इश्यूज हैं, क्या ये उनके लिए बहुत ज्यादा प्रॉफिटेबल है, क्या हमारे यहाँ कुछ ऐसी प्रॉब्लम है जिसकी वजह से हम उस चीज को बहुत जल्दी अडॉप्ट कर लेते हैं। तो यहाँ पर ये इश्यूज वाले क्या क्या मुद्दे हैं, इनके बारे में हमें चर्चा करनी है। उसके बाद हम देखते हैं कि यहाँ पर इंडिया की पोजिशन क्या है, सॉरी, इंडिया प्रॉब्लम एंड पोजिशन, भारत की जो इन सभी को लेकर के भारत की क्या सोच है, भारत की पोजीशन कहां पर बैठती है, और उसके बाद लास्ट आता है हमारा जनरल डेवलपमेंट, मतलब सामान्य तरीके से विकास। तो ये जो सारे चैप्टर हैं, इन सारे चैप्टर में सबसे चीज आपको याद रखनी है, क्योंकि ये सारे पोर्शन बहुत ही डायनेमिक हैं, जो कि आपको करंट अफेयर से अपडेट करना है, करंट अफेयर इनसे अपडेट करके आपको चलना है। क्लियर हो गया, आई होप आप इस चीज को समझ गए होंगे। तो चलिए हम इस बार साइंस एंड टेक्नोलॉजी के एक एक करके एक एक क्लास में सारी चीजों को कवर करेंगे, और आपको करंट अफेयर के साथ इन सारे मुद्दों से आपसे डिबेट करेंगे, डिस्कस करेंगे कि आखिर ऐसा क्यों होता है और हमको किस तरीके से इन सारी चीजों को कवर अप करना है। थैंक यू।